से सेफ्टी रेंजेस में आते हैं। फर्स्ट ये घर के लिए या इंडस्ट्री के लिए? इंडस्ट्री के लिए सर, ओनली इंडस्ट्री। ओनली इंडस्ट्री। तो किस किस यूज में आता है बताइए जरा सर। ये टॉयलेट बाउल क्लीनर्स आते हैं, इनकी खासियत ये होती है सर, जैसे घरों में तो 4-5 लोग होते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में कम से कम 400 से 800 हजार तक लोग होते हैं जो रोज एक फ्लश को यूज करते हैं। ये जो चीज है ये 10 मिनट में आपका टॉयलेट क्लीन कर देती है, ठीक है। प्लस इसके अंदर ऐसी सर चीजें डाली गई हैं, ये साथ साथ में आपकी पाइप भी क्लीन करती है। इसे तो, इसे साफ करने का क्या तरीका सर? इसको आपको 10 मिनट उसमें लगा के फ्लश कर देना है, इनफ। जैसे नॉर्मल घर में ब्रश होता है, हाँ। वैसे ही ब्रश से लगा दिया और 10 मिनट छोड़ दिया। जी 10 मिनट छोड़ दिया, 10 मिनट के बाद आप इसको सफा कर दो। अच्छा। एक तो स्मेल नहीं आएगी, आपकी चीज क्लॉक नहीं करेगी और प्लस वो क्लीन कर देगी। तो इसको बार बार आप, इससे क्या होता है सर, मैन पावर बचती है। एक आदमी को आपको बार बार नहीं क्लीन करना पड़ता, वो एक ही जगह पे जाके क्लीन करेगा तो उसका काम हो जाएगा। अच्छा, और सारे वही है या? नहीं नहीं सर, अलग अलग है। जैसे एक रीगेन आता है, वो रीगेन सर स्पेशली ग्रीस का फ्लोर पे जो ग्रीस गिर जाती है उसको उठाने के काम आता है। ये बाकी कौन सा? ये ग्रीन है। अच्छा, ये ग्रीन वाला जी। और ये रेड वाला? ये रेड वाला सर ये टाइल्स क्लीन आता है। जैसे सर कोई केमिकल हमारे टाइल्स पे लग जाता है, फ्लोर पे लग जाता है, तो वो इसको क्लीन करता है। अच्छा अच्छा। हाइजीन में सर, सेफ्टी में वो केमिकल्स हम यूज करते हैं जो जैसे सर ये वाला केमिकल है, ये डिसइंफेक्टेंट है। तो मोस्टली ऑफिसेस में जहाँ पे लोग ज्यादा आते जाते हैं तो वहाँ पे सर एक डिसइंफेक्शन की जरूरत होती है, जो माइल्ड हो, जो हमारा 12 घंटे काम करे। प्लस एक और प्रॉब्लम होती है सर, जहाँ पे एसी रूम्स होते हैं वहाँ पे मक्खियां बहुत आ जाती है। मतलब हमारी किचन में आपका जो खाना है, सारी वर्कफोर्स आपकी वहाँ पे खाना करती है, अगर वहाँ पे मक्खियाँ होंगी या वहाँ पे हाइजीन नहीं होगा, आपकी वर्कफोर्स बीमार पड़ गई तो वो भी कंपनी को एक नुकसान होगा। तो ये सर उस चीज के काम आता है। इसको लगाने से 6 घंटे तक मक्खी नहीं आती, इन्फेक्शन से पब्लिक बची रहती है। क्या स्प्रे करते हैं या पोछा लगाते हैं? पोछा लगाते हैं। तो कितने दिन तक नहीं आएगी मक्खी सर? 6 घंटे। 6 घंटे तक? एक दिन में 6 घंटे तक। अच्छा, माइल्ड परफ्यूम है और ये काम करती है। अच्छा, और ये सर ये है ड्रेन क्लीनर। यहाँ पे नॉट फॉर रिटेल सेल। अच्छा, हाँ बताइए। यहाँ पे ये ड्रेन क्लीन क्या करता है? हमारा सर जैसे यहाँ पे आपका लकड़ी का काम है तो बूरा उड़ता है, तो बूरे को किसी ना किसी जगह पे जाके आप ड्रेन में डंप तो करते होगे, तो जहाँ पे ड्रेन में जाता है सर उसके बाद उसका क्या होता है? यहाँ पे ट्रैप लगे होते हैं, ट्रैप में वो कूड़ा फंस जाता है या पाइप्स में कहीं लगा रह जाता है। ये सर ऑर्गेनिक ड्रेन क्लीनर है, इसको ड्रिप सिस्टम से हम यूज करते हैं। मीन्स अच्छा। एक बूंद या दो बूंद इसको हमने उसमें डालनी है ड्रेन में, ये एक बैक्टीरिया कल्चर वहां पे बना लेता है। अच्छा। आपके उसमें। अच्छा। सिर्फ जो भी चीज जैसे लकड़ी का बूरा जो वहां पे फंस जाएगा या किसी के बाल फंस गए, कोई टिश्यू हो गया, इस सारे के सारे को सर उसको पानी कर देगा। अच्छा। और आपकी जो ड्रेन्स हैं, पाइप्स हैं, वो ब्लॉक नहीं करेंगी। जैसे ये अभी नई फैक्ट्री है, आज से अगर सर आप 20 साल 30 साल के बाद देखेंगे तो इसकी पाइप्स वैसी नहीं रहेंगी। और ये को घर तो है नहीं कि फटाफट इसको क्लीन कर दिया, उसमें काम भी रुकेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा। तो ये सर रेगुलर कंपनीज इसको यूज करती है ताकि उनकी पाइप्स क्लॉग नहीं करे। और कोई जो खास हो इसमें सर? ये लाइन वे है। ये लाइम वे जी। अच्छा। ये सर मशीनें जहाँ पे कूलिंग के काम आती हैं। अच्छा। आपका जैसे फाउंटेन करता है तो वहाँ पे वाटर रेगुलर फ्लो करता है, रेगुलर जहाँ पे वाटर फ्लो करता है वहाँ पे व्हाइट व्हाइट सी चिकनाई लग जाती है। ऑर्डिनरी अगर आप उसको निकालने जाओगे तो बहुत लेबर लगती है, सामने आ जाए, बहुत पैसा भी लगता है। लाइम वे से आप स्प्रे करके ऑर्डिनरी स्क्रब से क्लीन करोगे और वो सफा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। उससे सर बॉडी इंजरी नहीं होगी, आपका वर्क फोर्स कम होगा, पैसा बचेगा, ये उस चीज के काम है। मतलब ये बेस्ट होंगे इंडस्ट्री के लिए? इंडस्ट्री। अच्छा, आगे आइए, इधर थोड़ा दिखाइए, और क्या लाए आप? ये सर हमारा सबसे ज्यादा काम आता है, इसको किम वाइप्स बोलते हैं, ये डेलिकेट वाइप, ये एंटी स्टैटिक वाइप है। ये किस काम आता है सर? हमारे यहाँ पे R&D होती है, हमारे चश्मे हैं या दूसरे हैं, आपने कभी देखा होगा चश्मे को आप किसी कपड़े से सफा करो और उसके बाद उसके कागज को ऐसे करो तो ये कागज खींचता है। उसी तरह से सर हम R&D जब माइक्रोस्कोप्स के अंदर देखते हैं तो उनका जो जिससे हम साफ करते हैं वहाँ पे स्टैटिक आ जाती है। तो स्टैटिक आने से इवन हमारे हवा में भी अगर आप लाइट देखो तो वहाँ पे भी डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, वो जो माइक्रोस्कोप है वो डस्ट पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर लेता है, उससे आपकी रीडिंग्स में फर्क आने की गुंजाइश रहती है। अच्छा। ये एंटी स्टैटिक वाइप्स है, ये आपके मिरर को लेंसेस को स्टैटिक नहीं होने देता। जरा खोल के दिखाइए जी। फिर से ओके। आप इसको अपने चश्मा साफ करके देखिए, आपको उसमें समझ आ जाएगा।
ये खास तौर से सर इसी काम आता है, और हर इंडस्ट्री में आप अमेरिका में कहीं चले जाओ, कोई भी अमेरिकन डिटेक्टिव आप मूवी लगा लो, क्राइम मूवी लगा लो, उसमें अगर आपको लेबोरेटरी दिखाई तो आपको ये दिखेगा। अच्छा। और ये 100% दिखेगा, क्योंकि हमारे कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे लैब हो, R&D हो और हमारा ये वाइप्स नहीं जाता। उसके बाद ये माइक्रो फाइबर्स आते हैं, ये माइक्रो फाइबर जैसे हम धोती कपड़ा वगैरह यूज करते हैं सफा के लिए, ऑफिसिस में जहाँ पे लोग बैठते हैं या CEOs बैठते हैं या आपके अंदर बैठते हैं, तो वहाँ पे सर इससे सफा किया जाता है, ये कम टाइम में ज्यादा क्लीनिंग कर ले। अच्छा। ये वो माइक्रो फाइबर कैसे पोछा लगाने के लिए? हाँ, बस सिंपल सर डस्टिंग करो, बस इससे काम हो जाता है। अच्छा सर, ये वाइप हमारे सबसे ज्यादा चलने वाले ये चीज है, जो धोती कपड़ा है ना सर, आजकल उसको रिप्लेस किया जा रहा है, और उसको हम इसका रिप्लेस करते हैं X70 शीट, इससे सर रिप्लेस करते हैं। X70 जी शीट है, ये तीन तरह की आती है, X70, X60, X40, X मतलब एक्सटेंडेड यूज, इसको एक बार नहीं सर फेंकना, यूज करना है, धो के निचोड़ के फिर से यूज करना है। अच्छा। धोती सर हम कोई भी यूज लेते हैं, धोती लेते हैं, अगर आपने देखा होगा कि भी सर धोना पड़ जाता है, क्वांटल में लो तो सर उसमें से काम का कितना निकलता है, फिर उसके बाद आपके लोग वहाँ पे बार बार जाके कोई कोई निकालेगा, काम का नहीं है, फेंक देगा, फिर जाएगा, फिर लेके आएगा, तो उससे हम जितना आने जाने में टाइम वेस्ट होता है, आप कभी नोट करके देखो साल के अंदर हम कितना पैसा उसके ऊपर वेस्ट कर देते हैं। फिर आप कंपनी है, कितनी बार धो सकते हैं सर इसको? आप मल्टीपल टाइम्स धो सकते हैं इसको, कितनी बार यूज कर सकते हैं? साबुन नहीं लगाना सर, डिपेंड करता है आप किस चीज को क्लीन कर रहे हो। जैसे मान लीजिए नॉर्मल अपना पेंट्री है ऑफिस में सर, पेंट्री तो 6-7 बार इसको यूज किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद धोना है या उसके बाद इसको फेंक बस देना? पानी निचोड़ के और उसके बाद डिस्कार्ड करना है, पेपर की तरह होता है। ओके ओके सर, इसमें जो कार्बन फुटप्रिंट है, क्योंकि आजकल कंपनी कार्बन फुटप्रिंट पे बहुत ध्यान दे रही है, धोती कपड़े से इसकी फुटप्रिंट्स अराउंड आपकी 60% कम हो जाती है, तो जितना वहां पे आपको उस कपड़े को डिस्कार्ड करने में लगता है एनर्जी लगती है, उसी से 40% की एनर्जी, और उसमें 100% लगती है, तो उसमें आपको बड़ी मुश्किल से 60% लगेगी। अच्छा सर। और सर उसके बाद ये ग्रिट है, ये ग्रिट आता है सर, आपका पानी बचाता है, लोग जिससे सर ग्रीस जो जिससे लोग काम करते हैं या कलर से काम करते हैं, ये ग्रीस ऑयल वगैरह भी, हाँ जो सर हाथ पे चिपक जाता है, इसके 2 ड्रॉप हाथ पे लेने हैं, आप इसको वाइप करो, आपका सारा हाथ में से ग्रीस उतर जाएगा, फिर उसके बाद सिंपल हाथ से धोलो, और ये FDA अप्रूव्ड है, मतलब इसको धोने के बाद आप सीधा खाना खा लो, आपका काम चल जाएगा। पंडित जी आपको रखना चाहिए ना? और ये है सर हमारा एंटी कटर ग्लव्स, ये खास तौर से अमेरिकन स्टैंडर्ड से बना, ये सर हाथ को कट से बचाता है, आप किसी भी चीज में कुछ यूज कर लो, प्लाईवुड से कर लो, लकड़ी को कर लो, इवन जहाँ पे सर मेन कटर यूज किया जाता है, आप इसको पहन के वो ट्राई कर सकते हो, ये आपके हाथ में कट नहीं आने देगा। क्या नाम है इस ग्लव्स का? नाम एंटी कटर ग्लव्स सर बोलते हैं। एंटी कटर जी, तो ये किम्बर्ली क्लार्क के सेफ्टी प्रोडक्ट्स हैं। तो आज के सेफ्टी वीक्स के लिए वी रियली थैंक यू फॉर सर फॉर गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू टीच द पीपल अबाउट इट, थैंक यू वेरी मच। हमारे यहाँ नेशनल सेफ्टी वीक चल रहा है, जिसमें हर रोज सेफ्टी से रिलेटेड लोगों को जागरूकता दी जा रही है। हमारे पांडे जी हैं सेफ्टी, यही देखते हैं, सेफ्टी ऑफिसर हैं, तो इनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। कल भी प्रोग्राम था, आज ये था, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया, लोगों ने काफी अच्छी तरीके से समझ लिया। पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट का डिस्प्ले कराया ऑल अवेयरनेस प्रोग्राम ऑल एम्प्लॉई के बीच में, और ये प्रोग्राम आज अटेंड किया, जो हमारा सेफ्टी इक्विपमेंट जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, इनके बारे में डीपली तरीके से एम्प्लॉई को समझाया, बताया कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे यूज होता है। ओके।